हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, अभी 3 बज रहे हैं और आज हमने ब्लॉग की शुरुआत अभी से की है। उसका रीजन बता दे रही हूँ, सुबह से ऐसा कुछ काम वगैरह नहीं था। आज जो है ना फ्रेंड्स, सुबह से ट्यूशन वगैरह क्लासेस मैंने ना अपने बच्चों को भी सुबह में बुला लिया था, तो सबको हम लोग मिल करके सैम अपनी क्लास चला रहे थे, मैं अपनी क्लास चला रही थी और बहुत ज्यादा बिजी टाइम था, तो इसीलिए हमने ब्लॉग भी नहीं शुरू किया था। दूसरी चीज ये भी थी, आज कुकिंग वगैरह का टेंशन नहीं था। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मैंने कोफ्ता आलू की सब्जी बनाई थी, तो वो सब्जी बच गई थी। फ्रेंड्स, आज मैंने ना सिर्फ बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़ाने के बाद सिर्फ जाके राइस बना लिया था और शाम खाना खा करके निकल गए। मैं हूँ इस टाइम घर में अकेली और मुझे अब लग रही, उस टाइम ना भूख नहीं लग रही थी जब शाम खा रहे थे, हालांकि उन्होंने कहा था कि तुम भी खाना खा लो, लेकिन उस टाइम मुझे भूख नहीं लगी, भूख अब लग रही है। तो मैं सोची कि जाकर के खा ले रही हूँ खाना अब, और आज कुकिंग का टेंशन नहीं है तो इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था फ्रेंड्स ब्लॉग क्या स्टार्ट करूँ क्या। एक मन आया कि आज छोड़ दे ब्लॉग, फिर सोची कि अगर आज ब्लॉगिंग नहीं करूंगी तो कल आप लोगों को ब्लॉग नहीं मिलेगा, और आप लोग वेट करते हैं तो वेट तो करेंगे जरूर। तो बस वही सब है फ्रेंड्स, और तो जा रही पहले बहुत जोर की, अब भूख लग गई है फ्रेंड्स। और सुबह नाश्ते में हमने खाया था, मतलब हम लोगों ने पढ़ाने के बाद फ्री होने के बाद फ्रेंड्स खाया था, बन और चाय खाया था हम लोगों ने, तो वही खाए हुए मैं अभी तक हूँ, तो इसलिए अब भूख लग रही, तो जा रही हूँ खाना खाने। और आज मार्केट भी जाना शाम तक, पूरा श्योर नहीं है बट हो सकता तो मैं जाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है घर में, और कुछ कुछ चीजें भी है जो इसकी ग्रोसरी की, हालांकि जितनी चीजें कम है उतना तो पैसा शाम की तरफ से नहीं मिला, बट जितना मिला उसमें छोटी मोटी जो बहुत ज्यादा जरूरत की चीजें हैं वो जाकर के मैं ले आऊंगी आज। और मुझे एक और काम है तो उसके लिए भी जाना है, तो देखती हूँ अभी क्या होता है। शाम तक अगर निकलना होगा फ्रेंड्स तो मैं मगरिब के बाद निकलूंगी, तो उसी टाइम फिर ब्लॉग वगैरह करूंगी जो थोड़ा बहुत हो पाएगा फ्रेंड्स। और अभी तो शाम है नहीं, वो निकल गए जस्ट, तो मैं अभी फिलहाल जा रही हूँ फ्रेंड्स किचन में और अपने लिए निकाल ले रही हूँ लंच। और कल कुत्ते आलू की सब्जी बनी थी फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी, मतलब आप बनाए इस रेसिपी से बहुत ज्यादा मस्त बनती है। गेट है कौन सा? ये जो है ऊपर जाने का गेट है, नहीं नीचे महल टाइप का है। शाम के साथ ही फ्रेंड्स मैं आ गई थी मार्केट और हमें लेना था जो चीजें वो सब हमने ले ली थी, और शैम यहाँ पर से अलग हो जाएंगे, मतलब वो अपने फ्रेंड के पास चले जाएंगे और मैं जाऊंगी ऊपर कपड़े लेने हैं, मुझे वही मीटर वाले। और दुपट्टा ना मेरे पास बहुत पहले से एक पड़ा हुआ, करीब करीब 2 साल से शैम ही न्यू मार्केट से मुझे दिलाए थे, जब वो बैंगलोर में रहते थे तो आए थे तो हमें दिलाए थे, तो उसी कपड़े पर ना मैं ये मैच करके कपड़ा खरीदी हूँ, और इसी सूट पर लगाने के लिए लैस यहाँ पर मैं मैच करके देख रही हूँ, इसमें से जो अच्छा लगेगा मैं उस पर मैच करूंगी। और ये साइड में जो दिख रहा है दुपट्टा वो वही दुपट्टा है, 200 में दिया था, मैं 2 साल से फ्रेंड्स पड़े हुए, मैं सोच रही थी अब इसका सूट बनाऊंगी, अब सूट बना उसको भूल जा रही थी, तो ऐसे ही मुझे याद आया तो उसको हमने निकाल के रख लिया। तो लेस वगैरह हमने ले लिया था फ्रेंड्स। अब इस तरफ सब्जी मार्केट की तरफ मैं आ गई हूँ और यहाँ पर ले रही हूँ सब्जी, टमाटर लूंगी, सेम वगैरह है, कैबेज वगैरह, तो सारी चीज़ें मैं लूंगी जो जो समझ में आ रही है, सब्जी वगैरह थोड़ी थोड़ी करके ले लूंगी ना फ्रेंड्स, फ्रीज में डाल दूंगी तो फिर खाना वगैरह बनाने में ना आसानी होगी, नहीं तो रोजाना का टेंशन बना रहता आज क्या बनाए आज क्या बनाए। मार्केट से आए हुए फ्रेंड्स मुझे 10 मिनट के करीब हो गए, आने के बाद सारी चीजों को मैंने ऐसे ही रखा है, ये देखिए ये सारी चीजें यहीं पे पड़ी हुई है, और मैं बस जा करके थोड़ा सा फोन को चार्ज में लगा रही थी, फोन हमारा चार्ज नहीं था, और वही ज्यादा नहीं 1-1.5 घंटे के अंदर में मैं मार्केट से आ गई थी फ्रेंड्स। और तब अभी मैंने चाय बना ली है फ्रेंड्स और जा रही हूँ, मैं लाई हूँ फिर से आज नमकीन और वो सेव भुजिया लाई हूँ मैं, तो जा रही हूँ उसको पहले खा लूँ चाय के साथ, उसके बाद फिर डिनर वगैरह बनाने की तैयारी करूँगी। हालांकि अभी टाइम ज्यादा नहीं हुआ, 7 ही बज रहे तो पहले मैं नाश्ता कर लूँ, और 5 का मैंने सेव लाया और 5 का नमकीन, तो सेव भुजिया और नमकीन के साथ मैं अपना नाश्ता कर लूंगी। फिर ये सारी चीजें जो हमने लाई है, जैसे 2-3 तरह की सब्जी हमने ले ली है, कैबेज लिया हमने, और ये हाँ आज जो है ना मेथी मिल रहा था तो मेथी हमने लिया है कि उसका साग बनाने के लिए, और हमने लिया सेम, और टमाटर वगैरह ले लिया, कहीं पत्ता खत्म था घर में वो लिया हमने, और आलू प्याज लिया, और सब्जी में इतना ही लिया फिलहाल के लिए, यही तो 2-3 दिन का हो गया छुट्टी फ्रेंड्स, उसके बाद देखा जाएगा। और इमली खत्म था तो इमली भी लाई हूँ दाल वगैरह में डालने के लिए। और यहाँ पे बाहर इतना अच्छा विंडो से लग रहा है फ्रेंड्स, मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये इस बिल्डिंग में जो है ना, यहाँ इस बिल्डिंग में शादी है तो ये इसको सजाया जा रहा है आज, जो कि अभी पूरा सजा नहीं है बट कुछ ऐसा दिख रहा है। सैम की फेवरेट, मैंने सैम ने ही फरमाइश किया था कि जा रही है तो थोड़ा सा कलेजी ले आना मेरे लिए, और डिनर में वही कलेजी और रोटी बना देना, तो मैंने 250 ग्राम उनके लिए कलेजी ले लिया, और कलेजी बनाऊंगी और गर्मा गर्म रोटी, उसके साथ हम लोग करेंगे डिनर, तो पहले ही से जा रही हूँ खाने। और पीछे इग्नोर करना फ्रेंड्स, मुझे डिनर भी बनाना है
बर्तन भी धोना है और किचन की सफाई भी करनी है, सब काम करना है एक साथ। और हाँ फ्रेंड्स, हाँ जो मैं बोली थी कि काम के लिए भी जा रही हूँ, काम भी है, तो वो ये है, दो दिन से ब्लॉग में आप लोग देख रहे होंगे मेरे पास नोज रिंग नहीं था, नोज रिंग मैं नहीं पहन के रह रही थी, तो ये हमने लिया है आज जाकर के श्याम ने दिलाया मुझे, तो आज आने के बाद मैं इसको भी पहन चुकी हूँ। और खाली खाली नोज अच्छा नहीं लग रहा था ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए हमने ले लिया है। गर्मा गर्म है फ्रेंड, इस टाइम ना जहाँ पे मैं टूटू पकड़ती वहां गर्म रहता है अंकल बनाते हैं। फ्रेंड्स मैं तो खा पी करके बहुत मोटी होती जा रही हूँ, खूब खा रही हूँ, दोनों मैं फूड को इतना एंजॉय कर रही हूँ, जो भी बन रहा है मेरे घर में सबको मैं अच्छे से खा रही हूँ। अब एक दिन में ये हो गया कि अब वेट लॉस जर्नी शुरू करने वाली, तो थोड़ा दिल में जो आ रहा खा पी ले रही हूँ, है ना, फिर तो अपने डाइट पे आ ही जाऊंगी। वेरी अभी चलो फ्रेंड, खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ किचन में। तो मैं आ चुकी हूँ फ्रेंड किचन में, और यही कलेजी को बनाऊंगी, और सब्जी वगैरह जितनी सारी चीजें थी वो हमने स्टोर कर दिया, करी पत्ता भी हमने ले लिया था फ्रेंड्स, क्योंकि करी पत्ता कम था और दाल वगैरह में मैं यूज करती हूँ, और वो खट्टी दाल बना रही हूँ तो वो शाम को और भी ज्यादा पसंद आ रहे हैं, तो उसमें करी पत्ता बहुत जरूरी होता है, तो वो हमने ले लिया था। तो सबको अपनी अपनी जगह रख दिया, ज्यादा हालांकि सब्जी वगैरह हमने नहीं ली थी, हाफ के जी करके दो तीन तरह की सब्जी ले ली थी, और भी जरूरत की चीजें थी लेनी, बट हाँ उतना ही पैसा ही बचा था, तो उसी में मैं सोची कि जो जरूरी अभी जो यूज के हैं वो ले रही हूँ, फिर बाकी बाद में आएंगे। तो यहाँ पर क्रेजी बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो इसको ना इसकी रेसिपी भी हमने आप लोगों से शेयर कर रखी है, तो इसीलिए रेसिपी का तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हाँ आप लोग देखते जाए मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। और अब हाँ एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, बहुत लोगों को चिकन की क्रेजी नहीं पसंद आती है, जो एक बार मैंने बनाते हुए दिखाया था तो एक कमेंट आया था, उन्होंने थोड़ा अजीब सा ये बनाया था चिकन की क्रेजी, मतलब उनके बोलने का ये था कि चिकन की भी कहीं क्रेजी खाई जाती है, तो जी हाँ यहाँ खाया जाता है, कोलकाता में तो सारे लोग खाते हैं और बहुत शौक से खाते हैं, और कोलकाता ही में क्यों, मैं जब गाँव में रहती थी ना फ्रेंड्स तब भी जो है ना मैं, हालांकि गाँव में ऐसे अलग से मिलता नहीं है, तो मैं सामने जो अम्मी के यहाँ जाती थी, तो जैसे सामने अंकल जो है एक तनवीर अंकल करके थे, वो चिकन का शॉप खोल करके थे, तो उनको अम्मी से मैं पहले खबर भिजवा देती थी कि मेरे लिए ना चिकन का कलेजी भी देने के लिए, तो वो एक पीस दो पीस जितना निकलता था ना वो हमें दे देते थे, तो ये मुझे शुरू से पसंद है। और शैम ये जब मेरे हाथ से पहली बार खाए तो उनको भी पसंद आया, अब इतना पसंद आया कि वो जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो उनकी फरमाइश रहती है कि थोड़ा सा कलेजी मेरे लिए चिकन का ले आना। तो ऐसा अब बाकी अपनी अपनी पसंद की बात होती है फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं कि मुझे जो चीज़ पसंद है आपको पसंद है, तो खाने पीने की चीज़ें जो भी है, अब अगर ऐसा नहीं कि हमें पसंद नहीं तो हम उसको बेकार बोले मुंह बनाए, हाँ ये होता है कि जो आपको पसंद नहीं है तो आप नहीं खाएं, बाकी जिन लोगों को पसंद है वो तो खा सकते हैं, उसमें मुंह बनाने की ये करने की कोई बात ही नहीं। अच्छा दो तीन ब्लॉग्स हैं फ्रेंड्स, एक हमारी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर आप ही लोगों में से एक है, वो ना हमें कमेंट कर रहे हैं कि नगमा दी आप जो है ना अभी ये मंडी बना करके दिखाएं, तो जो कि अरबियन डिश है, तो वो ना मैं बनाऊंगी डियर किसी दिन, क्योंकि उसमें कुछ कुछ चीज़ें लगेगी जो मुझे बाहर से भी मंगवानी होगी, क्योंकि मंडी की जो रेसिपी है उसमें जैसे कोयला वगैरह ये सब उसका स्मोक देने के लिए तब जाके वो अच्छा सा बनता है, तो वो सब चीज़ें मेरे घर में कोयला वगैरह अवेलेबल नहीं है, घी वगैरह ये सब, लेकिन हाँ मैं फिर से कोशिश करूंगी कि जैसे मैं बिरयानी बनाती हूँ तो जो चीज़ें नहीं भी रहती कम भी रहती उसमें भी मैं अच्छा सा बना लेती हूँ, तो उसका भी मैं ऐसी कोई तोड़ निकालूंगी कि जो चीज़ें नहीं है उसको स्किप करते हुए भी आप कैसे बनाएं, तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि अभी तो ऐसा है ना फ्रेंड्स कि जैसे ही चिकन वगैरह या कुछ ऐसा वो वाला लंबे वाले चावल आते हैं तो शैम का रहता है कि तुम बिरयानी बनाओ, क्योंकि शैम को ना मेरे हाथ की बिरयानी इतने ज्यादा पसंद है कि उनको और किसी चीज पे ख्वाहिश ही नहीं जाता है, लेकिन हाँ आप बार बार बोल रही हैं तो मैं इंशाल्लाह जरूर शेयर करूंगी किसी ना किसी दिन, लेकिन हाँ अभी ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि एक दो दिन बाद शेयर करूंगी, लेकिन आप बोली है तो मैं जरूर शेयर करूंगी आपको चिकन सॉरी मंडी की रेसिपी, चिकन मंडी या जो भी मंडी बनाओ उसकी रेसिपी शेयर करूंगी आपको। तो उस तरफ कलेजी को हमने दम पे चढ़ा दिया फ्रेंड्स, वो अच्छे से फ्राई हो चुका था, भुन चुका था, अब वो धीरे धीरे दम होगा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं करना, धनिया पत्ती रख दूंगी, और ये भुना भुना ही अच्छा लगता है, क्योंकि आज हमने थोड़े मसाले वाले बनाए थे ना, नहीं तो और बार फ्राई करके ही सिर्फ बनाती हूँ। ये देखिए बन के हो गया हमारा रेडी, उस तरफ रोटी भी हो गई है रेडी, तो शाम को दे रही हूँ डिनर। जस्ट मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया है, नगमा तो नहीं की क्योंकि उसको थोड़ा फीवर आ गया, मौसम यहाँ पे उतना अच्छा नहीं है, और काफ़ी बढ़िया
डिनर हुआ। आज तो क्लास भी ऑफ था जिसके वजह से थोड़ा सुकून मिल रहा है। न्यू ईयर का हम लोगों ने 3-4 दिन जो है क्लास बंद कर दिया है। 3 दिन, 3 दिन बंद हो गया क्लास 3 दिन के लिए। 3 दिन थोड़ा सा आराम करने का मौका मिल जाएगा। और बुखार फीवर जो है सो मुझे भी था, आज से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और आज जो है सो नगमा को फीवर हो गया, आप लोग देखिए। और मौसम ही इस तरह का है, अभी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे वेदर काफी खराब है, दिन को बहुत गर्मी पड़ती है, रात को ठंड होता है, थोड़ा बहुत ठंड होता है। बिहार जैसा नहीं होता है, गांव जैसा, लेकिन हाँ होता है। तो डिनर कंप्लीट हो गया है और व्लॉग जो है सो आज जिम्मेदारी है हमारी एडिट करने की। और बहुत दिन बाद मैं एक्चुअली मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तब कैमरा फेस कर रहा हूँ। तो और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कमेंट आया है जो हमको सलाम भेजते हैं, तो सबको वालेकुम सलाम। और व्लॉग को आज हम एंड करते हैं। आई होप कि व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं कल। अब हो सकता है कि अगर नगमा का तबीयत ठीक हो गया तो नगमा व्लॉग स्टार्ट करेगी, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं कल। सलाम अलैकुम आप सबको। आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड नाइट, टेक केयर। और देखिए यहाँ तो मिलते हैं आप लोग से कल। अल्लाह हाफिज़।